नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वरमय टाइम्स में। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों के साथ मैं हूँ सृष्टि पांडे। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का किया उद्घाटन। आरएसएस की 3 दिवसीय अखिल भारतीय समन्वय बैठक आज से। राज्य में शुरू की गई गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना, मिलेगा बेहतर इलाज। प्रौद्योगिकी और नवाचार के पारिस्थितिक तंत्र को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन किया। 2 दिवसीय कॉन्क्लेव का आयोजन 10-11 सितंबर को साइंस सिटी अहमदाबाद में किया जा रहा है। इसमें एसटीआई विजन 2047 सहित विभिन्न विषयगत क्षेत्रों पर सत्र शामिल होंगे। राज्यों में एसटीआई के लिए भविष्य के विकास के रास्ते और विजन, सभी के लिए डिजिटल स्वास्थ्य देखभाल, 2030 तक अनुसंधान एवं विकास में निजी क्षेत्र के निवेश को दोगुना करना, किसानों की आय में सुधार के लिए तकनीकी हस्तक्षेप, पीने योग्य पेयजल के उत्पादन के लिए नवाचार और तटीय राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साथ देश के भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए इसकी प्रासंगिकता। कॉन्क्लेव के उद्घाटन के दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हमारी सरकार विज्ञान आधारित विकास की सोच के साथ काम कर रही है। 2014 के बाद से साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में निवेश में काफी वृद्धि की गई है। सरकार के प्रयासों से आज भारत वैश्विक नवाचार सूचकांक में 46वें स्थान पर है, जबकि 2015 में भारत 81वें स्थान पर था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 3 दिवसीय अखिल भारतीय समन्वय बैठक 2022 आज से शुरू होने जा रही है। 10 से 12 सितंबर तक राजधानी के एयरपोर्ट से लगे श्री जैनम भवन में आयोजित इस बैठक में संघ अपने शताब्दी वर्ष के स्वरूप और एजेंडों पर मंथन करेगा। शुक्रवार को संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेडकर ने पत्रकार वार्ता में बताया कि वर्ष 2025 में संघ का शताब्दी वर्ष आ रहा है। छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में संघ का कार्य लगातार बढ़ रहा है। संघ का पूरा ध्यान इसके विस्तार को लेकर है। लगभग सभी प्रदेशों में अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। पत्रकार वार्ता में अखिल भारतीय सह प्रचारक नरेंद्र कुमार, रायपुर महानगर संचालक महेश बिरला और संघ के प्रांत प्रचारक परिराम मौजूद रहेंगे। आम्बेडकर ने बताया कि देश भर के राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए क्या किया जा सकता है, इस पर भी चर्चा होगी। सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों समेत पर्यावरण, परिवार प्रबोधक और सामाजिक समरसता जैसे विषयों पर समन्वित प्रयासों की चर्चा भी बैठक में होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना की शुरुआत की जाएगी, जो कि गोवंश को उत्तम चिकित्सा सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया जाएगा। इसके पहले चरण में प्रत्येक जिले में 1 अथवा 2 चिकित्सा वाहनों से यह योजना शुरू की जाएगी और फिर चरणबद्ध कार्यक्रम के तहत योजना का विस्तार किया जाएगा। गौरतलब है कि राज्य के प्रत्येक नागरिक के लिए उत्तम स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए विकास खंडों से लेकर जिला मुख्यालयों तक सर्व सुविधा युक्त शासकीय अस्पतालों के साथ साथ मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना तथा मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना का संचालन किया जा रहा है। इसके तहत मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से शहरी श्रमिक बस्तियों से लेकर दुरुस्त तथा दुर्गम स्थलों में रहने वाले नागरिकों तक बेहतर चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाई जा रही है। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।